हेलो फ्रेंड्स, ये जो पेपर टू सोशल वर्क में चार क्वेश्चन है जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए, एक तो पैसेज है, पैसेज में दो क्वेश्चन गलत है। पैसेज आपने पढ़ा होगा, जो लास्ट पैसेज है इसमें पहला क्वेश्चन था प्रेपरेशन फॉर द प्रोफेशन मस्ट बी, ओके। इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल और तीसरा था टेक्निकल। तो टेक्निकल इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो पैसेज है उसको आप पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रेपरेशन फॉर द प्रोफेशन मस्ट बी इंटेलेक्चुअल एज वेल एज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर टेक्निकल नहीं है, तो आप इसको जो है क्लेम कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा, बी नहीं होगा, ओके। और इसी पैसेज का जो लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें एक थ्योरी की बात की जा रही है कि थ्योरी जो है मदद करती है, हेल्प करती है प्रोफेशनल्स को, ताकि वो सही डिसीजन ले पाते हैं जब वो डिफरेंट सिचुएशन में जो है डील करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो चूंकि आंसर में गलत दिया है, ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है। इसमें बोल रहा है कि प्रैक्टिकल स्किल्स हैव प्राइमेसी एज प्रोफेशंस आर ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ऑफकोर्स वो प्राथमिक होती है, क्योंकि प्रोफेशंस का मतलब यहाँ पर है व्यवसाय से, तो जो व्यवसाय है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ओके, प्रैक्टिस से संबंधित है। तो ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैसेज